इस वीडियो को चुनने के लिए और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो चुना है तो प्लीज़ इसे पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर जो है आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली एंटरटेनमेंट के इस चैनल पर, जहाँ पर हम बनाते हैं सॉन्ग्स, ट्रेलर्स और फनी वीडियो से रिलेटेड रिएक्शन वीडियोस। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं कि आज हम कौन सा गाना देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं बेसिकली मिलिंद काबा का एक नया गाना जिंदगी की पौड़ी, और सुनेंगे इस गाने को। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो। मिलिंद काबा का बहुत टाइम बाद जो है एक गाना आया है, तो सुनते हैं इस गाने को और जानते हैं ये गाना कैसा बना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ पेपर लेके जा रहे हैं मिलिंद काबा अपने हाथ में, और लड़की वेट कर रही है इनका कॉल आ गया। या आई एम कमिंग कमिंग यार, यहां पे बहुत ट्रैफिक है, मैं आ रहा हूं, बस रास्ते में हूं। सॉरी सॉरी यार, बहुत ट्रैफिक। क्या यार, गुलशन कुमार मतलब कि इसे जॉब से निकलवाएगा मुझको यार। अरे तेरी डायरी, डायरी छोड़ दे लड़की की। You know what, Milind? I really love you a lot. मैं तेरे साथ हर पल जी भर के जीना चाहती। क्या पता कल होना हो। डायरी बन रहा है लड़की की, उसमें मेडिकल रिपोर्ट भी है। तो बेसिकली सैड सॉन्ग होने जा रहा है। जिंदगी दी पौड़ी जिथे तक चढ़ांगे तेरे नाल चढ़ांगे, सुख होवे दुख होवे तुप चाहे छा तेरे नाल खड़ांगे। दो लाइन सुन के भी पता चल जाता है। मैं ओना चो नहीं जो वादा कर, लिरिक्स बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। डोल जांदे ने ओना चो नहीं जो बहुते बनदे ने, सच्चे झूठ बोल जांदे ने। जिथे भी रहांगे खुश ही रहांगे, दुख आया कोई ओदे नाल लड़ांगे। मतलब मिलिंद काबा को पता है उस गर्ल के बारे में। आ
आदत पैजू हसन दी तेनू अख चो हंजू नहीं तू चोना हो आदत पैजू हसन दी तेनू अख चो हंजू नहीं तू चोना तेनू भुल जाना ना जो नहीं जो हथ फड़ के किसी दा फिर पीछे हो जाए मैं ना जो नहीं जो नींद किसी दी उड़ा के चैन नाल सो जाए बन मेरी जान दीवाना निर्माण प्यार तो भी वध तेनू प्यार करांगे जिंदगी दी पौड़ी चढ़ांगे तेरे नाल चढ़ांगे इस गाने में सब रो रहे हैं, लेकिन जो मिलिंद काबा उस लड़की के लिए कर रहे हैं उसे देख के मुझे पर्सनली मतलब अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि उसे खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरह से उसे खुश भी रख पा रहे हैं। चलिए गाना खत्म हो चुका है और मैं देख चुका हूँ पूरा गाना, और जिसकी मैं बात कर रहा था कि पूरे गाने का सीन ऐसा लग रहा है बहुत इमोशनल है, लेकिन इस गाने को देखकर आपने पूरे गाने में देखा होगा कि मैं थोड़ा खुश हूँ। मैं इसलिए खुश था कि एज ए ह्यूमैनिटी एज अ जो है मिलिंद काबा जो है उस लड़की का ख्याल रख रहे थे वो जो है बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि यही जो है दिल को अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छी बात थी। रोना मतलब पूरे गाने में सब रो रहे थे, लेकिन जो मिलिंद काबा कर रहे थे उसे देख के बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि जो वो कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इस गाने की। तो गाने की लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, गाने में जो सीन्स दिखाए गए हैं मिलिंद काबा और गर्ल के बीच में, जो मेरे ख्याल से एक्ट्रेस हैं इस गाने की, उन्हें उनके बीच में जो सीन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगे हैं, बहुत बेहतरीन लगे हैं। और एज अ सिंगर मिलिंद काबा बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं, बहुत अच्छे गाने बना रहे हैं और बहुत अच्छे लिरिक्स भी लिख रहे हैं। तो चलिए मुझे गाना जो है बहुत पसंद आया है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।